हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज देनी है और वो गुड न्यूज ये है कि यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो फिर से एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि अब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म 20 जनवरी 2021 तक फिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं और वो ये कि प्री मैट्रिक का जो पोर्टल था वो पहले क्लोज हो गया था, मगर वो अब दोबारा से ओपन हो चुका है और उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी या 21 जनवरी के समथिंग है। मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाऊंगा। और पोस्ट मैट्रिक की जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2021, यानी कि पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं 20 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, प्लस आपको बताएंगे आप लोग बिना सर्वर प्रॉब्लम के स्कॉलरशिप का फॉर्म कहां से फिल कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि जो आपकी डेट है वो ऑफिशियली 21 जनवरी 2021 तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे सर्च कर लेना है sarkarijob.co। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijob.co। जैसे ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप लोग यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पढ़ सकते हैं, प्लस आप लोग यहां से ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के। तो यहां पर आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोग 4 से 5 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पर आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट के आगे जो क्लिक है लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोग सेशन 2020-21 का टाइम टेबल देख सकते हैं, जहां पे साफ साफ लिखा है छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना। अंतिम तिथि के नीचे आप लोग देख सकते हैं 21 जनवरी 2021, यानी कि प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 21 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पे आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं पूर्व दशम अंतिम तिथि, और यहां पे पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2021। इस पे हमने कल भी ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, मगर उसमें हमने आपको प्री मैट्रिक का अपडेट नहीं दी थी, यानी कि जब तक अपडेट नहीं हुआ था उसके कुछ घंटे बाद अपडेट हो गया था। तो फिलहाल जो है प्री मैट्रिक की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 21 जनवरी 2021 तक, और पोस्ट मैट्रिक की जैसी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लिया कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है ऑफिशियली। फिलहाल प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स की डेट एक्सटेंड हुई है, पोस्ट मैट्रिक की ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि 10 जनवरी 2021 लास्ट डेट है। तो आप लोग आज कल में अपना फॉर्म फिल करके फाइनल सबमिट कर दिए, क्योंकि लास्ट डे जो वेबसाइट होती है उसका सर्वर काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, जिसके चलते काफी ज्यादा स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर वो फाइनल सबमिट नहीं करते और डेट एक्सटेंड नहीं होती। और अगर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। स्टेटस का जो ऑप्शन है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 20 से 25 जनवरी के समथिंग आपका स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, और डेट एक्सटेंड होती है पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर की तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।